ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी, ये शर्ट उसकी तीसरी पत्नी ने रख दी, जिसके बाद दरिंदे पिता ने अपने ही 6 साल के मासूम बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के समय उसने बेटे से कहा, तुझे मारना नहीं चाहता लेकिन इसके बिना वो मेरे साथ नहीं रहेगी। उसने इस घटना का वीडियो बनाया और फिर उसे पत्नी को भेज दिया। मामले में तेजाजी नगर पुलिस ने आरोपी पिता और बच्चे को मारने के लिए उकसाने वाली उसकी तीसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी का नाम शशिपाल मुंडे निवासी शंकर मोहल्ला लिबोंदी है। उसकी पहली पत्नी अंजलि का 4 साल पहले निधन हो चुका है, जिससे उसका 6 साल का बेटा प्रतीक है। पहली पत्नी के देहांत के बाद शशिपाल ने गांधीनगर में दूसरी शादी की थी, लेकिन उसे भी 15 दिन रखकर छोड़ दिया था। 2 साल पहले आरोपी शशिपाल ने राजगढ़ निवासी ममता उर्फ पायल से तीसरी शादी की। वह मकान के ऊपरी हिस्से में अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उसका बेटा प्रतीक अपने दादा दादी के साथ नीचे पोर्शन में रहता था। ममता को प्रतीक बेहद खटकता था। इसी बीच 3 माह पहले ममता को मायके में बेटा हुआ, लेकिन वह अपने ससुराल नहीं आ रही थी। उसने शशिपाल से कहा था कि प्रतीक वहां रहेगा तो वह नहीं आएगी। उसने शशिपाल पर दबाव बनाया कि या तो वह प्रतीक को कहीं छोड़ दे या उसे खत्म कर दे। इसी के चलते 3 महीने से दोनों के बीच विवाद हो रहे थे। इसके बाद आरोपी शशिपाल 14 मई की रात प्रतीक को कूलर में सोने का लालच देकर अपने साथ कमरे में ले गया और फिर टीवी की वॉल्यूम बढ़ाकर रात करीब 10:15 बजे उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। उसने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और उसकी पत्नी ममता को भेजकर बाइक से फरार हो गया। उसके पास रुपए नहीं थे, इसलिए वह अपने पास मौजूद सोने की छोटी मोटी चीजें बेचने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने भी उसे पकड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उसके फोटो और गाड़ी नंबर के पैम्पलेट लगाए थे। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोर टक्का में एक ढाबे पर है, जिसके बाद उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आरोपी की पत्नी ममता को भी राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इधर आरोपी पिता ने मीडिया से पत्नी के कहने पर हत्या करने की बात कही तो पत्नी ने इन आरोपों को नकार दिया। सुनिए आरोपी पति पत्नी ने क्या कहा। मैंने उसकी जलील करते थे, वो तो पसंद नहीं करती थी। हाँ, क्या मतलब मैं फोटो भी अगर अपलोड कर देता ना तो मैंने बोला मतलब वो मेरे को उसका फोटो हटाओ। तो बच्चा तो तुम्हारा था ना वो? बच्चा मेरा तो दिक्कत है ना, उसको थी ना, छोड़ देनी थी पत्नी को, छोड़ देनी थी। अरे उसको मारना क्यों? क्यों बच्चे को छोड़ देना था ना, पत्नी को छोड़ देना था। अगर एक आदमी अगर छोड़ता है तो उसको 10 चीज होती है। नहीं बोला मैंने, मैं 8 महीने से डिलीवरी के लिए पीयर गई हुई थी, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। 14 तारीख को दिन में 12 बजे बात हुई थी, मैंने प्रदीप के विषय में कोई बात नहीं करी। आप छानबीन कर सकते हो, मैंने बच्चे को मारने को कभी नहीं बोला। और ये फोटो की बोल रहा है ना, तो मैं मेरा फोटो डालने के लिए मना करती थी कि तुम्हारा नंबर बहुत जगह बटे, मेरा नंबर फोटो मत डाला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुमने मदर्स डे में नहीं बोला था कि प्रतीक की फोटो हटाओ? मैंने सूट पहना था और हम गांव से है, तो मैंने फोटो मेरा फोटो हटाने के लिए बोला था, मुझे पसंद नहीं है फोटो हटाओ, रिकॉर्डिंग है इनके मोबाइल में। प्रतीक का फोटो हटाने के लिए बोला? प्रतीक का नहीं, मेरा फोटो, बट मुझे पसंद नहीं है तुम डाल रहे हो फोटो। तो फिर इनने दूसरा फोटो डाला था साड़ी वाला, फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुमको कब पता चला कि प्रतीक की हत्या हुई? मुझे डीजे वाले वो दिखो क्या नाम उसका, डीजे आकाश नाम उसका फोन आया। और भाभी आपके पास जैसे भैया है क्या? मैं बोला नहीं आया भैया। बहरहाल अब न्यायालय को आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई ऐसा कुकृत्य करने की हिम्मत भी ना जुटा सके। बड़ा ही आंदोलित करने वाला घटनाक्रम रहा है, जिसको कि पर्दाफाश किया है और जल्दी हम इसको न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू अमली जमा पहनाएंगे। इसका पूरा प्रयास रहेगा और माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया। बेसिकली ये क्या है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जिनके यहाँ पे काम करता था उनसे भी हमने बयान लिया है, जिनकी ड्राइवरी करता था और वो भी प्रतिष्ठित आदमी है, लेकिन इस तरह की गतिविधि नहीं बताई। लेकिन यहाँ इस विवाह इस घटनाक्रम को लेकर इसका और इसके पत्नी के बीच में जो एक लगातार वार्तालाप है वो इसका एक कारण बना है।